खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर जौनपुर से। पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में एसओजी सर्विलांस व थाना बक्सा की संयुक्त टीम ने थाना बक्सा अंतर्गत ग्राम मई में ठेकेदार अखिलेश यादव की टहलते समय हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 तमंचा, 1 मैं कारतूस, 1 पिस्टल में 2 कारतूस किया बरामद। दिखाते हैं यह रिपोर्ट। 15 अक्टूबर को बरपुर गांव निवासी ठेकेदार अखिलेश यादव की सुबह टहलते समय गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो उसी केस का आज सफल अनावरण किया गया है। जो अब तक प्रकाश में आया है कि अखिलेश यादव की एक जमीन मई चौराहे पर थी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। इस पर लालता प्रसाद यादव से इनका काफ़ी दिनों से विवाद था। इसमें अखिलेश यादव मुकदमा जीत गए थे, लेकिन लालता प्रसाद उसे कब्जा नहीं दे रहे थे। उसी विवाद को लेकर के इनके द्वारा मनीष यादव, धर्मेंद्र यादव, इनको 5 लाख रुपया दे करके इनका मर्डर करवाया गया था। इसमें धनंजय और संदीप दो लोग ये हैं जो रैकी में शामिल थे, और देवेंद्र वो बंदूक है जो गिरफ्तार किया गया है। इसने इन शूटरों को पहचान करवाई थी। तो इस प्रकार से कुल इसमें अब तक 6 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, उसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। 1 शूटर है, 1 रैकी करने वाला है और 1 घटना को कराने वाला है। अभी 3 मुलजिम इसमें शेष है। कोई गांव का भी था इसमें जिसने रैकी की थी? हाँ, ये देवेंद्र वो बंदूक है, गाँव का ही है। ये वकील कौन है जिसमें वकील का भी नाम? यही लालता प्रसाद वकील भी है। ये वकील जी में भी कोई वारदात या कभी नाम रहा शामिल जी? किसी अन्य घटना में कोई आपराधिक इतिहास इन सब पर रहा है सर? नहीं, इसमें 1 अभियुक्त है जिसके पहले के 3-4 मुकदमे हैं, बाकी और किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्या क्या इनसे बरामद हुआ है? 1 इससे जो है पिस्टल 7.65 mm की बरामद हुई है, क्योंकि उनको गोली भी इसी पिस्टल से मारी गई थी। मौके से 4 खोखा इसके बरामद हुए थे। 1 दूसरा 12 बोर का 1 तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।